उसको। और ये जॉनेथन कितना ईगो वाला बंदा है। कि मैं बेवकूफ लोग को समझाना चाहता था गाइस, परफॉर्मेंस वाली बात है, टेंशन था कि मैं सोल में था, ठीक है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ई स्पोर्ट्स की न्यूज़। सबसे पहले चाहिए तो यार गेमएक्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है जोनाथन को लेके। तो आज हमारे को एक लाइव स्ट्रीम देखने को मिली थी जहाँ पे हमारे को काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स देखने को मिले, जैसे हमारे को वहाँ पे रचित भी देखने को मिले थे। एंड बेसिकली वो सबकी प्रोफाइल्स खोल रहे थे, उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे। तो वहाँ पे वो जोनाथन की प्रोफाइल खोलते हैं, सबसे पहले वो उससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हो। रेट करो वैसे जोनाथन का। एक और चीज़ है, जोनाथन पहले थोड़ा सा मोटा था एंड उसने भी अपना रेडी हो जा, अगर तू वायरल, ये चीज अगर वायरल हुई ना तो तेरे को गालियां आने वाली है। आने दो, तुम बातचीत नहीं हुई उससे इतना ज्यादा, ठीक है, बट उसने तेरे से बात करी नहीं थी। अरे मैंने कभी बात, मैंने उससे बात नहीं करी अभी दिन तक। हाँ तो वही तरह ना, लाइक आईआरएल ऐसे कॉन्वो ही नहीं हुआ ऐसे करके, तो आई डोंट नो। अगर लेकिन एग्जांपल, अगर मेरा आईआरएल ऐसा कॉन्वो होता और मुझे लाइक ऐसा लगता तो मैं स्ट्रेट अप बोलता। बट हाँ, आरती एक बार जोनाथन को मिला था। हाँ। जितना आई, जितना मेरे को याद है, किसी इवेंट में तो मिला था। इवेंट में मिले थे। हाँ, इस वाले इवेंट में मिला था। हाँ, बट ही इज वेरी पॉपुलर ना, आई मीन जो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, ठीक है, तो वो सीन हो ही जाता है। हाँ, वो एरोगेंस वगैरह तो आ ही जाता है। ब्रो नॉट, आई मीन एग्जांपल में अगर तू, नॉट एवरीवन इज ट्रिगर्ड इंसान भाई। एंड इसके ऊपर काफी लोग जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं, जहाँ पे जो इनकी बॉट है वो लिखते हैं ये ज्ञान दूत जनरेशन है, जहाँ पे नियो ये चीज लिखते हैं दीदी आओ जरा दिखाते कभी टॉक्सिसिटी, जहाँ पे डोबी ये चीज लिखते हैं जब लोग उन्हें पर्सनली नहीं जानते हैं। एंड इसके साथ में अमर लिखते हैं कि अब मत बोलना कि कंट्रोल नहीं करते हैं अपने फैन बेस को। एंड इसके बाद जो नियो की कुछ और भी स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे वो लिखते हैं ये है कौन प्लीज समवन टेल मी और शी वांट फेम। एंड इसके बाद वो कुछ नेक्स्ट स्टोरीज में भी दो चीजें लगाते हैं, उनकी जो स्टोरीज है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद जो कमलजीत पाजी है वो हमें लाइव देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वो इस चीज से रिलेटेड रिप्लाई करते हुए क्या बोलते हैं वो आप लोग देख लो। हेडी दाए गए इधर नियो को खुला छोड़ दो, नियो को कुछ बोलने की जरूरत नहीं हो भाई। मैं खुद आज इतने टाइम बाद लाइव आया हूँ कि मतलब रोक नहीं पाया अपने आपको। अरे प्रियंका क्या हाल है? सुप्रियंका तू जॉनी से मिली है पर्सनली मेरे थ्रू? हाउ डू यू फाइंड दैट पर्सन? लाइक यू नो यू डोंट बिलोंग टू गेमिंग इंडस्ट्री। तो आज ऐसा हुआ कि किसी ने जोनाथन को बोला है लाइव स्ट्रीम पे दैट ही इज द मोस्ट एरोगेंट पर्सन, बहुत ही एरोगेंट है, उसकी फैन बेस टॉक्सिक है। नियो, नियो तो मेरे को मालूम है अभी क्या करने वाला आगे जाके। आई नो नियो थोड़ी ना चुप बैठेगा, नियो को भी बोलता हूँ तीन चार लड़के लड़कियां पीछे रख कर दे रिएक्ट भी। गाइस देखो जो भी है जिसने भी ऐसा भी रिएक्ट किया, बट गालियां मिलियां ऐसा किसी को हेटफुल मैसेजेस मत देना, वी आर नॉट वन ऑफ देम। हम लोग बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है तो प्लीज वो सब मत करना। एंड इसके बाद वहाँ पे हमारे को एक फीमेल क्रिएटर भी देखने को मिली थी, जो इस चीज़ के ऊपर रिप्लाई करती है, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने कमेंट कर दिया था तो उन्होंने स्टोरी डाल के अपॉलॉजी दी थी, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। अभी कुछ देर पहले एक स्ट्रीम किया था ऑन माय ब्रदर्स चैनल, ठीक है, एंड इन विच आई सेड समथिंग जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। आफ्टर द स्ट्रीम एंडेड मैंने उस स्ट्रीम को फिर से देखा एंड उस पार्ट को देखा एंड आई रियलाइज कि यस, मैंने जिस वे में वो बोला वो बहुत गलत था, ऑल्सो मेरे वर्ड्स भी गलत थे। आई अंडरस्टूड दिस आफ्टर द स्ट्रीम एंड ऑनेस्टली मेरा जो तरीका था वो गलत था, बट वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से वॉज समथिंग एल्स एंड जो डिलीवर हुआ वो बहुत ज़्यादा अलग था। एंड ऑनेस्टली आई रियलाइज कि मेरा वर्ड्स गलत था उस टाइम पे एंड फॉर देट
I'm really sorry to Jonathan and also to you. तो हमारे को जो राउंड थ्री है उसके डे थ्री के ग्रुप थ्री के मैचेस देखने को मिले एंड ओवरऑल स्टैंडिंग आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे को जो कार्निवल गेमिंग है वो क्वालिफाई होती हुई दिखाई दी राउंड फोर के लिए एंड इस चीज को अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दी हमारे को नियो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, जहाँ पे वो इसको रीशेयर करते हुए लिखते हैं आने दो। एंड इसके बाद बात करें हम क्लच गॉड एंड बेजी के मैटर से रिलेटेड, उन्होंने स्टोरी लगा के लिखा था जब ये कास्टर्स प्लेयर के बारे में भला बुरा बोलते हैं, जैसे हम लोग यार इंसान नहीं है, हम रोबोट्स हैं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, पर एक प्लेयर ने अगर उनकी कास्टिंग की एडवाइस दे दी कि अच्छी कर लो तो वो इससे ट्रिगर हो गए एंड मुझे लिख रहे हैं कि मेरा ब्रेन स्लो है एंड इस पे मेरे इंपल्सिव नेचर ने जैसा भी रिएक्ट किया उसके ऊपर मैच्योर रिप्लाई कर विक्टिम कार्ड खेल लिया। एंड इसके बाद उन्होंने स्ट्रीम पे भी इससे रिलेटेड बात करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख लो। भाई कल के बारे में बात मत करो, छोड़ो अभी। बेवकूफी थी भाई मेरी वो, कि मैं बेवकूफ लोगों को समझाना चाहता था। कोई बात नहीं, लेट्स एंड द टॉपिक हियर। एंड इसके बाद काफी लोग जो डेस्ट में उनसे उनकी टीम से रिलेटेड उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड बोल रहे थे, तो इस चीज के ऊपर वो रिप्लाई करते हैं अपनी लाइव पे, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। होने तो दो कुछ, अभी कहाँ देखोगे? अब थ्रस्टी स्पोर्ट्स फर्स्ट चल रहा है, वहाँ देखो जाके हो गया, अब अगले वीक में अगला। हाँ, तो फर्स्ट चल रहा था वहाँ पे, देखो भाई देखिएगा क्रिक्सर है भाई। और सब क्रिक्सर भाई कैसे हो, वेलकम गाइस, परफॉर्मेंस वाली बात है, टेंशन ले लो सब आएगा, गुड थिंग्स टेक टाइम। जब इतना अच्छा अपन ने हाई फेस देखा है, थोड़ा लो फेस देख के अप्स एंड डाउन्स पार्ट है यार जर्नी का, चलता है ये सब, हर बार थोड़ी ऊपर रह सकते हैं, रहेंगे। अब हो गया अपना डाउनफॉल वाला, गया पीरियड गया गाइस, हैकर वाला सीन बता दो पूछ रहे हैं क्या, हैकर वाला राउंड 3 में क्या सीन हैकर वगैरह का पता नहीं भाई। देखो भाई मैच ऑफलाइन है, कुछ सस लगेगा तो बता देंगे, इन्फॉर्म करेंगे। एंड इसके बाद बात करें BGS राउंड 3 के बारे में, तो ग्रुप 7 से रिलेटेड हमारे को एक टीम की स्टोरी देखने को मिली थी, जहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल ई स्पोर्ट्स है उन्होंने ये चीज डाली थी, जहाँ पे उन्होंने लिखा था जादूगर उनको देखने को मिला राउंड 3 ग्रुप 7 में, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख लो। इसके बाद हमारे को जो गॉब्लिन है वो दोबारा से रिएक्ट करते हुए दिखाई दिए कि क्यों उन्होंने सोल को लीव किया था, इसके बाद वो R&D में क्यों नहीं गए, कैसे उन्होंने कार्निवल को ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। ऐसा था कि मैं सोल में था, ठीक है, तो उधर से अमित भाई रिलीज हो गए, तो हम 5 प्लेयर बचे थे, तो ओमेगा डिसाइड किया कि अमित भाई के साथ स्टिक करेगा, तो ओमेगा ने बोला चलो साथ चलते हैं अपना। तो मेरे दिमाग में 50-50 था कि यार जाओ कि ना जाओ, जाओ कि ना जाओ, जाओ कि ना जाओ, तो आई डिसाइडेड कि मैं सोल में रहता हूँ। बट लेटर अचानक मेरे को पता चला कि मैं ई स्पोर्ट्स लाइनअप में नहीं रहूँगा सोल के, तो मतलब मेरे दिमाग में यही था, दो ही चीज़ें थी, एक तो एक्स टीममेट या सोल, तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये लोग तो फिर से लेंगे नहीं मेरे को, क्योंकि मैं इनको समझ रहा हूँ ना कि मना करके इधर रुका। उसके बाद मैं R&T में गया, R&T में मैं बहुत अच्छा खेला और मैं 100% फिक्स हो गया था R&T में, सब कुछ डन था। अचानक ओमेगा से मेरी बात हुई, मतलब होती रहती थी बात, ऐसा नहीं होती थी, बट टीम के रिलेटेड बात हुई, तो ओमेगा वॉज लाइक कि यार मतलब तू एक बार सबसे बात कर ले। मैंने सबसे बात की तो सबने बोला कि यार मतलब तेरे को नहीं रुकना चाहिए था, हमारे साथ आ जाना चाहिए था, मतलब वो था कि मतलब आई फील के मेरे को इनके साथ पहले ही आ जाना चाहिए था। उसके बाद मैं R&T में गया, तो मैंने उनको बोला कि यार मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ 10 दिन के, तो मेरे को एक ब्रेक दे दो। तो R&T वाले बोले यार सच बता क्या सीन है क्या सीन है, तो मैंने यार मैं सोचा यार क्यों झूठ बोलना, तो सेंसी से बात हुई और मैं कार्निवल में डन हो गया, फिर मैं फिर से कार्निवल में आ गया। एंड काफी लोग क्लच गॉड से पूछ रहे थे कि हमारे को फिफ्थ प्लेयर कौन देखने को मिलने वाला है GT में, तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। बस अगर एप्लीकेशन रनिंग बोला ना, लाला फिफ्थ प्लेयर कौन है अपना, अपना फिफ्थ प्लेयर है, अपना फिफ्थ प्लेयर है नायो, अपना फिफ्थ प्लेयर है नायो, नायो गेमिंग। एंड इसके बाद जो RG वाइपर है जिन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया था 18 फिनिशेस का, तो मैंने उनका खुद एक इंटरव्यू लिया था, जहाँ पे हमने पॉडकास्ट में काफी सारी चीजों से रिलेटेड बात करी, तो मैंने उनसे ये चीज पूछी थी कि उनको नई ऑर्ग्स का ऑफर आया तो उन्होंने इस पे रिप्लाई करा, एंड पूरा पॉडकास्ट आप लोगों को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सही कोई एक बड़ा रिकॉर्ड बनाता है या फिर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको डिफरेंट ऑर्ग के ऑफर आने लग जाते हैं, तो आपको ये रिकॉर्ड बनाने के बाद किसी ऑर्ग से ऑफर आया? फिलहाल तो नहीं, और अगर मिलता भी है तो आई डोंट थिंक सो कि मैं लाइक जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ये टीम के साथ अच्छा जा भी रहा है, और
कंटिन्यू करने का सोच भी रहा हूँ और पहले से भी खेलता आ रहा हूँ। अभी भी आपने बोला कि आप स्टिक करोगे अपने लाइनअप के साथ, लेकिन ये चीज़ काफ़ी लोग बोलते हैं इसके बाद जब उनको किसी बड़ी और का ऑफर आता है तो वो स्विच भी कर लेते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि उसमें जाके उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो अगर आपको किसी बड़ी और का ऑफर आता है तो क्या माइंड सेट आप करें? माइंड सेट सच बोलूँ तो वो फ्यूचर का तो फ्यूचर में ही मालूम पड़ेगा, फिलहाल तो मैं क्या ही बता सकता हूँ क्योंकि फिलहाल तो अभी तक कुछ आया नहीं है ना, मैंने जो आपने बात बोली अभी तक तो मैं ये सोचा नहीं। एंड इसके बाद हमारे को जो चरण जो होते हैं गॉड लाइक वाले, वो दोबारा से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दिए इंडिया को जर्मनी में। एंड इस चीज से रिलेटेड जो जॉन अब्राहम है वो भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। हे सीजे, जॉन अब्राहम हियर, जस्ट वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर EISL ट्रायंफ एंड फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिशंस इन द वर्चुअल बुंडेसलीगा इंटरनेशनल सीरीज एंड द ईस्पोर्ट्स FC प्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। मेक इंडिया प्राउड एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC प्राउड। गुड लक चैंप। एंड इसके बाद BGIS की और अपडेट्स की बात करें तो हमारे को जो हाइड्रा है वो एलिमिनेट होती हुई दिखाई दी BGIS 2024 से। एंड उनका हमारे को कुछ मैसेज देखने को मिले थे ब्रॉडकास्ट में। एंड इसके बाद बात करें 8-bit के बारे में तो हमारे को 8-bit से रिलेटेड भी मैचेस की अपडेट देखने को मिली कि कल हमारे को उनके मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर आप लोग इनकी प्रोफाइल में देखोगे तो हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ये 8-bit के एनालिस्ट एंड कोच है। एंड इसके बाद कल हमारे को जो स्काउट की टीम है उनके भी मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।